उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे गर्ल्स जी। कैसे चल रही है आप लोग की वीडियो क्लासेस? अच्छे चल रही है। ओके गुड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट थ्री। यूनिट थ्री हमारा चल रहा है, कंटिन्यूटी में है, सेल हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने काइंड ऑफ सेल डिवीजन में माइटोसिस को डिस्कस किया था, मियोसिस को डिस्कस किया था कि दो तरह से सेल डिवीजन होती है, माइटोसिस और मियोसिस, और इसी तरह से कैरेक्टरिस्टिक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हेरिडिटी को, ठीक है, कि क्या है हेरिडिटी, किस तरह से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसमिट हो रहे हैं और उसको हम क्या कहते हैं। हेरिडिटी होती क्या है? इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कैरेक्टरिस्टिक का ट्रांसमिशन पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में क्या कहलाता है? हेरिडिटी। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, द स्टडी ऑफ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड हेरिडिटी, यानी इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स का जो है मुताला भी क्या है? हेरिडिटी है, ठीक है, कि इनहेरिटेंस में ऑफस्प्रिंग ने कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक जो है वो अपने पेरेंट्स से अडॉप्ट किए हैं, ठीक। अब आप सबने ये बात गर्ल्स डिटेल में पढ़ ली थी कि सेल के अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम में क्या मौजूद होता है? डीएनए। और क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। डीएनए में सेगमेंट्स होते हैं जिनको हम जीन का नाम देते हैं, ठीक है, और ये जीन ही क्या करते हैं? ये जीन ही दरअसल हेरिडिटी में इन्वॉल्व होते हैं, यानी पेरेंट सेल से डॉटर सेल के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसमिट होते हैं वो किसकी वजह से, वो कैरेक्टरिस्टिक कौन एक्सप्रेस करवाता है या कौन प्रोटीन बनवाता है, सिमिलर प्रोटीन जैसे कि पेरेंट में थे वही डॉटर में, तो वो काम कौन करता है? जीन। जीन होता क्या है? सेगमेंट ऑफ अ डीएनए विच मेक स्पेसिफिक प्रोटीन। अब जीन जब ट्रांसमिट होगा, सेल डिवीजन होगी, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, डीएनए रेप्लिकेट करेगा, तो डीएनए जो जीन डीएनए के पेरेंट में होगा वही पेरेंटल डीएनए में होगा, वही डॉटर डीएनए में चला जाएगा। इस तरह से क्या होगा? जीन ट्रांसमिट होगा फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन और कैरेक्टरिस्टिक जो होंगे वो भी ट्रांसमिट होते चले जाएंगे, ठीक। द डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इज कंट्रोल्ड बाय जीन, यानी कैरेक्टरिस्टिक जो नसल दर नसल ट्रांसमिट हो रहे हैं उसकी डेवलपमेंट, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? जीन कर रहा है, ठीक। तो ऑल क्या है कि हमारे के ऑल द ह्यूमन बीइंग्स हैव सिमिलर फीचर बट दे आर नॉट एग्जैक्टली अलाइक, यानी हम अपने ही तमाम ह्यूमन बीइंग्स को देखते हैं कि सारे ह्यूमन बीइंग्स जो है वो उनके सिमिलर फीचर होते हैं। अल्लाह ताला ने सबको दो आंखें दी हैं, दो कान दिए हैं, दो हाथ दिए हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से एग्जैक्टली जो है वो रिजेंबल नहीं करते, ठीक है, उनके दरमियान क्या होता है? डिफरेंस होता है। तो इस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? वेरिएशन। क्या होती है वेरिएशन? द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक विद इन अ स्पीशीज आर कॉल्ड वेरिएशन। स्पीशीज किसे कहते हैं गर्ल्स? ऑर्गेनिजम्स, दोज ऑर्गेनिज्म विच हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक सेम फीचर्स, यानी सिमिलर फीचर रखने वाले ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाते हैं? स्पीशी कहलाते हैं। जैसा कि मैन स्पीशी में कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर फीचर्स होते हैं, ठीक है, सबकी दो आंखें होती हैं, अल्लाह ताला ने इंसानों को दो आंखें दी हैं, दो कान दिए हैं, दो हाथ दो पैर, ठीक, तो सिमिलर फीचर हो लेकिन उनके कैरेक्टरिस्टिक में जब डिफरेंस आने लगे तो क्या होता है? वो चीज़ क्या कहलाती है? वेरिएशन। उनके कैरेक्टरिस्टिक में डिफरेंस आए लेकिन स्पीशी क्या हो? सिमिलर हो, तो उस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं। वेरिएशन जो है वो दो तरह की होती है, कंटिन्यूस वेरिएशन एंड डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। यानी अब आप देखते हैं कि आपके जो है क्लास में बहुत सारे जो है वो स्टूडेंट्स मौजूद हैं, ठीक, सब इसमें सब मैन स्पीशी में आते हैं लेकिन सारे जो सबके सिमिलर फीचर भी जैसे सबको अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह दो आंखें दो कान दो पैर सब ठीक है दिए, लेकिन आप सब एक दूसरे से एग्जैक्टली जो है रिजेंबल तो नहीं करते, ठीक है, आप लोगों के अंदर जो है वो डिफरेंस होता है और यही डिफरेंस वेरिएशन कहलाता है। कुछ डिफरेंस जो होते हैं वो आपको जो है वो हाई रेंज के नज़र आते हैं, यानी उनमें अनलिमिटेड वैल्यूज होती हैं, जैसा कि आपके पास जो है वो हाइट देख लेते हैं, 12 इयर्स के स्टूडेंट्स बैठे हुए लेकिन कोई टॉल होगा कोई शॉर्ट होगा कोई मीडियम हाइट का होगा, तो ऐसी वेरिएशन जो हाई रेंज पर हो अनलिमिटेड हो, हाई रेंज वेरिएशन
जिसमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिले हैं सेम पॉपुलेशन, उसको हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस वेरिएशन। इसके जो है आसान से एग्जांपल हम स्किन कलर देख लेते हैं। आप सब क्लासमेट्स जो है लेकिन सबके सब एक ही एज ग्रुप के हैं या फिर एक दो साल का डिफरेंस होगा। अब जब स्किन कलर आप देखते हैं तो कोई व्हाइटिश कॉम्प्लेक्शन रखता है, ठीक है, कोई जो है वो ब्राउन होता है, ठीक है, कोई व्हीटिश होता है, तो आप सबके स्किन कलर एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो हाई रेंज डिफरेंस जब आ जाए तो ऐसी वेरिएशन, ऐसा चेंज क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस वेरिएशन। ठीक है, ये हाइट में भी नजर आती है आपको, आइस कलर में भी, स्किन कलर में भी नजर आती है। ठीक है, दूसरा आपके पास वेरिएशन आता है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। ऐसी वेरिएशन होती है जिसमें लिमिटेड वैल्यूज होती हैं, ठीक है, यानी वो हाई रेंज पर नहीं जाती, लिमिटेड वैल्यूज होती हैं, जो चेंजेस होती हैं वो सेम पॉपुलेशन में लिमिटेड होती हैं। इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं, ब्लड ग्रुप। अब अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों के अंदर जो है वो ब्लड ग्रुप जो है वो लिमिटेड रखे हैं, यानी किसी में अगर किसी में ए होगा, लिमिटेड वैल्यूज हैं, किसी में ए ब्लड ग्रुप होगा, किसी का ब्लड ग्रुप बी होगा, किसी का ए बी होगा या किसी का ओ होगा, यानी लिमिटेड वैल्यूज है, इसके अलावा नहीं हो सकता। इसी तरह से गर्ल्स हम क्या देखते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। इसमें जो है वो रेड कलर को ग्रीन से जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता अगर ये डिफेक्ट या ये डिजीज किसी में होती है। तो ये जो है ये ऐसा डिफेक्ट है, ये किसी में होता है, ठीक है। इसी तरह से आप जो है वो टंग रोल करके, बहुत सारे लोगों में से कुछ ही लोग होते हैं जो अपनी टंग को इजीली क्या कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं, ठीक। इसी तरह से आपने देखा होगा बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हों, उनमें से किसी की जो है वो क्या होती हैं, सिक्स फिंगर्स होती हैं हाथ में या पैर में। तो ये वाली वेरिएशन क्या होती है, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक डिस्टिंक्ट होते हैं इन दी सेम पॉपुलेशन, ठीक। ऐसी वेरिएशन है जिसमें कैरेक्टरिस्टिक दैट आर डिस्टिंक्ट इन अ सेम पॉपुलेशन इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, एंड डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक विद इन अ सेम पॉपुलेशन इज कॉल्ड कंटिन्यूअस वेरिएशन, ठीक है गर्ल्स। इसके बाद जी गर्ल्स, अभी हमने कंटिन्यूअस वेरिएशन और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन को डिस्कस किया। गर्ल्स, ये कंटिन्यूअस वेरिएशन या डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, ये कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम अपने पेरेंट्स से अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक जो हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा होते हैं, ये भी दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक और इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहले इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक को देख लेते हैं, अभी हमने डिस्कस किया है इनको, दोबारा इसको डिस्कस कर रहे थे, अभी हमने वेरिएशन में इसको डिस्कस किया था। अब इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक जो हम किससे इनहेरिट करते हैं, फ्रॉम आवर पेरेंट्स, और हम अपने आगे की जनरेशन में इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इट ट्रांसमिटेड, ठीक है। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो क्या करें, जो पेरेंट्स से अडॉप्ट हों और जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट हों, उनको इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। इसमें ब्लड ग्रुप आ जाता है, ठीक है, हाइट आ जाती है, इसी तरह से जो है वो आप देख सकते हैं इसमें इंटेलिजेंस आ जाता, जहानत आ जाती है, ठीक है। तो ये इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक है। इसके बाद एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक कौन से होते हैं, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जो हमने अपने पेरेंट्स से अडॉप्ट नहीं किए, ठीक है, जो इनहेरिटेंस में या बाय बर्थ हमारे पास नहीं थे, बल्कि हमने अपनी लाइफ में अपने एनवायरनमेंट से अडॉप्ट किए और अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा उनको बनाया है। जैसा कि आप जो है वो छोटे होते हैं तो आप चलना सीखते हैं, फिर आप थोड़े बड़े होते हैं बुक रीडिंग आ जाती है, और बड़े होते हैं तो आप मुख्तलिफ आपके शौक होते हैं स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, इसी तरह से जो है कभी चोट लग जाए तो आपके फेस पे या चिन पे निशान आ जाता है, ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक आपके जो है वो अपने अपने इन्वायरमेंट से लिए हैं, अपनी लाइफ में लिए हैं, अडॉप्ट किए हैं, और इसको आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो उन कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या कहते हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक। आई पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को समझ लेते हैं, किस तरह से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ट्रांसमिट होता है, क्या पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है। हम सबको ये बात पता है, ये बात हम पढ़ चुके हैं पहले भी क्लासेस में, आज इसको दोबारा से जो है वो रिकॉल कर लेते हैं कि जब भी मेल रिप्रोडक्टिव सेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल ज्वाइंट होते हैं तो क्या फॉर्म होता है, फर्टिलाइज्ड एग, जिसको हम जायगोट का
नाम देते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यानी एट फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्टिव सेल जॉइंस अप टू मेक फर्टिलाइज्ड एग कॉल्ड जायगोट। अब जब मेल रिप्रोडक्टिव सेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल मिलते हैं और एग फर्टिलाइज होता है, ये फर्टिलाइज एग बनता है या जायगोट बनता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जीन आते हैं, मेल सेल के भी जीन आते हैं और फीमेल सेल के भी जीन कंबाइन होते हैं। तो जीन ही क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म में या फर्टिलाइज एग में जो जायगोट अगर एम्ब्रियो बनेगा, ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, उसमें कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप करेंगे। ठीक, तो जीन क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इन द ऑर्गेनिज्म और इसी को हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं और यही पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है। बस ये बात याद रखिएगा कि जीन हमेशा पेयर की फॉर्म में वर्क करती है, यानी पेयर फॉर्म में जीन वर्क करती है और प्रोटीन्स बनवाती है और कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गेनिज्म में शो होते हैं। और जीन पेयर की फॉर्म में कैसे आती है, जाहिर सी बात है मेल रिप्रोडक्टिव सेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल जब ज्वाइन होते हैं तो इन दोनों की जीन सिमिलर जीन पेयर फॉर्म करती हैं और ऑर्गेनिज्म में जो है वो कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करवाती हैं। जीन दो तरह की होती है गर्ल्स, जब हम पेयर को देखेंगे तो जीन दो तरह की होती हैं, रिसेसिव जीन एंड डोमिनेंट जीन। आइए इसको क्लियर कर लेते हैं, क्या होती है रिसेसिव जीन, जीन विच आर सप्रेस्ड बाय अदर जीन कॉल्ड रिसेसिव जीन। अब पेयर की फॉर्म में जीन वर्क कर रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं ये दो जीन है, ठीक है, ये टॉलनेस की जीन है, दोनों ऑर्गेनिज्म में टॉलनेस का कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो जाएगा। ये दोनों स्मॉल टी में क्या शो करेंगे, ये सिमिलर जीन है जो शॉर्टनेस की जीन है और ऑर्गेनिज्म कैसा होगा, शॉर्ट हाइटेड होगा। लेकिन यहाँ पर आप जीन का पेयर जो देख रहे हैं इसमें आप एक कैपिटल टी देख रहे हैं और एक क्या देख रहे हैं, स्मॉल टी। ठीक, यानी इसमें टॉलनेस की भी जीन है और शॉर्टनेस की भी जीन है। तो ये जीन, ये टॉलनेस की जीन अपना कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गेनिज्म में शो कर रही है और ये क्या हो रही है, ये जो रेड्स है ये शॉर्टनेस की जीन, ये क्या हो रही है, अपने कैरेक्टरिस्टिक को सप्रेस कर रही है या इसकी मौजूदगी में अपना कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं कर पा रही, तो इस जीन को हम क्या कहेंगे, रिसेसिव जीन। क्या होती है रिसेसिव जीन, जीन विच आर सप्रेस्ड बाय अदर जीन कॉल्ड रिसेसिव जीन। वो जीन जो सप्रेस हो जाए अदर जीन की वजह से, अपने कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गेनिज्म में शो नहीं कर पाए, उसको हम क्या कहते हैं, रिसेसिव जीन। ठीक है, तो ये जीन सप्रेस हो गई और इसने अपने कैरेक्टरिस्टिक शो कर दिए और ऑर्गेनिज्म टॉल हुआ, तो ये वाली जीन कैसी बन गई, रिसेसिव जीन। दूसरी डोमिनेंट जीन क्या होती है, जीन विच एक्सप्रेस इट्स कैरेक्टरिस्टिक इन ऑफस्प्रिंग आर कॉल्ड डोमिनेंट जीन। अगेन इस एग्जांपल को देख लेते हैं, क्या हुआ, क्या इस टी ने अपने कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गेनिज्म में शो कर दिया और जो न्यू ऑर्गेनिज्म था वो टॉल हो गया। ठीक है, उसकी हाइट क्या थी, टॉल। तो ये वाली जीन जो ग्रीन कलर की है ये कौन सी जीन बन गई, ये डोमिनेंट जीन, क्योंकि इसने ऑर्गेनिज्म में अपने कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्रेस कर दिया। तो वो जीन जो सप्रेस हो जाती है अदर जीन से वो रिसेसिव जीन कहलाती है और वो जीन जो अपने आप को एक्सप्रेस कर दी और कर देती है ऑर्गेनिज्म में वो डोमिनेंट जीन कहलाती है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं जो जीन पेयर की फॉर्म में होती है तो पर्सन के अंदर जो है अगर किसी भी पर्सन में आइडेंटिकल जीन आ जाए तो ऐसा पर्सन क्या होता है, होमोजाइगस फॉर दैट कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों आइडेंटिकल जीन है, दोनों टी जीन है, यानी टॉलनेस की जीन है, पेरेंट्स से यानी मदर से और फादर से जो जीन आई है वो सिमिलर है, आइडेंटिकल है, टी टी रखती है, कैपिटल टी रखती है, तो ऐसा जो ऑर्गेनिज्म लाजमन क्या होगा, टॉल होगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज द होमोजाइगस कैरेक्टरिस्टिक फॉर अ पर्सन। अ पर्सन हु हैज टू आइडेंटिकल जीन फॉर अ स्पेसिफिक कैरेक्टर इज होमोजाइगस फॉर दैट कैरेक्टर। टी और टी टॉलनेस और स्मॉल टी क्या है, शॉर्टनेस। यहाँ पर भी देख लीजिए ये दोनों क्या है, ये सिमिलर जीन आइडेंटिकल जीन रखते हैं तो ये भी होमोजाइगस कैरेक्टर है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हमें नजर आता है हेटरोजाइगस कैरेक्टरिस्टिक। हेटरोजाइगस कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है, अ पर्सन हु हैज टू डिफरेंट जीन फॉर द स्पेसिफिक कैरेक्टर इज हेटरोजाइगस फॉर दैट कैरेक्टर। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हो क्या रहा है, एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, यानी जीन दोनों हाइट की आई है लेकिन एक टॉल हाइटेड एक शॉर्ट हाइटेड है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक के लिए दो डिफरेंट जीन हो गई, दो डिसिमिलर जीन हो गई, तो ऐसा पर्सन क्या होगा, हेटरोजाइगस फॉर दैट कैरेक्टर। ठीक है, हेटरोजाइगस किसे कहते हैं, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक या ऐसे पर्सन को जिसमें टू डिफरेंट जीन आए फॉर द स्पेसिफिक कैरेक्टर।
कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक हाइटनेस का था, लेकिन दो डिफरेंट जीन आ रही है, एक कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो इसको क्या कहेंगे, हेटरोजाइगस। उम्मीद है पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आइए अपना होमवर्क देख लीजिए। बस होमवर्क में आपको क्या करना है, यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन का कौन सा पार्ट, सी डी और ई, और इसके साथ साथ आपको क्वेश्चन नंबर टू भी करना है एंड ऑल्सो लर्न इट फ्रॉम यूनिट थ्री, ठीक है। आई मूव टू द होमवर्क जी। पेज नंबर 26 पे आप क्वेश्चन वन देखिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में आपको कौन कौन से करने हैं, आप सी डी और ई। सी क्या है आपका, हाउ इज अ जाइगोट प्रोड्यूस्ड, ठीक है। डी है राइट डाउन सिक्स कैरेक्टरिस्टिक दैट यू हैव एक्वायर्ड, और ई है राइट डाउन सिक्स कैरेक्टरिस्टिक दैट यू हैव इनहेरिटेड, ठीक है। तो आपने आज सारे टॉपिक आज डिस्कस किए हैं, इनको कर लीजिएगा। इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर टू में आपने डिफरेंसेस करने हैं जीन ए और बी, तो हम कर चुके थे, बाकी सी डी और ई आपको करना है, ठीक है गर्ल्स। ओके, अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।